फ्रेंड्स, अपने बिहेवियर के बारे में तो सुना ही होगा। छोटे से अब तक हमें हमेशा सिखाया जाता है कि हम कैसे बिहेव करें। जहाँ भी जाए हमें एक अच्छा बिहेवियर अपना शो करना पड़ता है। सो इन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू हमें एक टॉपिक भी मिलता है जो कि बोला जाता है कंज्यूमर बिहेवियर बोल के। सो हाय, मैं पंकज और आज आपको मैं बोलने वाला हूँ व्हाट इज़ कंज्यूमर बिहेवियर। सो चलिए शुरू करते हैं। एक्चुअली कंज्यूमर बिहेवियर कोई टफ या फिर कोई मीन्स अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन नहीं होता है। वो एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, एक कंज्यूमर कैसे बिहेव करता है जब वो अपना कोई भी सामान खरीदने के लिए जाता है या फिर कोई भी सर्विस रिलेटेड आपका जो सर्विस को जानने के लिए या पहचानने के लिए जैसा बिहेव करता है उसे ही हम कंज्यूमर बिहेवियर बोला जाता है। सो फॉर एग्जांपल, अभी आप एक दुकान में जाते हैं और जाके आप एक एंटीवायरस खरीदते हैं, तो एंटीवायरस खरीदने के टाइम पे आपका पहला सवाल क्या होता है कि मुझे एक एंटीवायरस चाहिए। दूसरा सवाल ये होता है कि उसका प्राइस क्या है, आपको कौन सा सिक्योरिटीज आपको ज़रूरी है और आपके पास कौन सा ऑल्टरनेटिव्स है। सो उस टाइम में जो आप सोच रहे हैं और जो आप अपने जो शॉपकीपर को आप बोल रहे हैं वही होता है आपका कंज्यूमर बिहेवियर। एक कंपनी अपने कस्टमर्स के कंज्यूमर बिहेवियर को हमेशा रिकॉर्ड और एनालाइज करते रहते हैं ताकि इन फ्यूचर उनके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बना के रख सकें। सो कंज्यूमर, ये तो रहा कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में, बट हमारा जो कंज्यूमर बिहेवियर होता है वो इन्फ्लुएंस कहाँ से होता है। हम जब भी एक दुकान में जाते हैं कोई भी सामान खरीदने के लिए तो वो कहीं ना कहीं से एक इन्फ्लुएंस के थ्रू से ही आता है। सो इन्फ्लुएंस दो प्रकार के हो सकते हैं, एक एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस और एक इंटरनल इन्फ्लुएंस। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस वो होते हैं जहाँ पर आपका जो इन्फ्लुएंस होता है वो बाहर के तरफ से आता है, और इंटरनल इन्फ्लुएंस होता है जो आपके अंदर से आता है। तो पहले हम जानते हैं एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस क्या क्या होते हैं। सबसे पहले एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस आता है आपका सोसाइटी का फैक्टर, आपका सोशल एस्पेक्ट्स, जो आपका सोसाइटी का ट्रेंड में है, जो चल रहा है आपके सोसाइटी के अनुसार। जैसे कि आप एक हिंदू फैमिली से रिलेटेड करते हैं तो आपका कोई कोई ऐसा सामान ही खरीदा जाता है जो कि एक हिंदू फैमिली में खरीदा जाए, तो आपका मेंटली और आपका फिजिकली आपका बिहेवियर वैसा ही होता है कि हाँ, मुझे एक ऐसा सामान खरीदना है जो कि मुझे सोसाइटी के तरफ से भी मुझे कोई हैम्पर ना हो। जैसे आप मंदिर पर जाते हैं, आप मंदिर पे जाके उधर पे आप क्या क्या खरीदते हैं। अब तो ये नहीं होगा कि आप मंदिर पे जाके एक कैंडल खरीद के लेके जाए, तो मंदिर पे जाने के लिए आप एक दिया खरीद के लेके जाते हैं। तो वो होता है आपका एक बिहेवियर, वो होता है एक इन्फ्लुएंस, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। तो उसी तरह आपका जो एक्सटर्नल और इन्फ्लुएंस होता है वो फैमिली की तरफ से आता है, कल्चर की तरफ से आता है, सोशल क्लासेस की तरफ से। जैसे कि आप हाई क्लास के हो, आप मिडिल लेवल क्लास के हो, आप लो क्लास के हो, तो उस हिसाब से आप अपना सामान खरीदते हैं। तो उसके बाद आता है आपका इंटरनल फैक्टर, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि आपका बेसिकली कोई भी एक प्रोडक्ट खरीदने के टाइम पे आप इंटरनल फैक्टर को ही इन्फ्लुएंस में लेते हैं। तो सबसे पहला इंटरनल फैक्टर आता है आपका मोटिवेशन, आपका मन आपको क्या चीज़ खरीदने के लिए मोटिवेट करता है। जैसे कि आपको एक मोबाइल ही खरीदना है तो आपको आपका मन क्या बोल रहा है, आपको ये मोटिवेट कर रहा है कि मुझे एक ऐसा मोबाइल चाहिए जो कि 8 to 10,000 के रेंज में मुझे चाहिए। तो आप अगर दुकान में जाते हैं तो आप क्या 8,000 के नीचे के मोबाइल को देखना चाहेंगे। आप तो पहले ही जाके आप अपना बजट बोल देंगे कि हाँ, मुझे 8 to 10,000 में चाहिए एक मोबाइल। तो वही होता है एक मोटिवेशन। दूसरा आता है लर्निंग, आप जितना भी सीख रहे हैं अब सीखने के बाद ही आप कोई सामान को खरीदने के लिए जाते हैं, और ऐसा नहीं होता कि आप हमेशा एक ही दुकान में जाके डायरेक्टली अपना सामान के बारे में बोलते हैं और आप खरीद लेते हैं। ऐसा होता है कि हम कई बार कई दुकानों में घूमते हैं, तो उसके थ्रू हमें लर्निंग का एक्सपीरियंस होता है, जो कि लर्निंग होने के बाद ही हम कोई भी एक सामान को डिसाइड कर पाते हैं कि हाँ, हमें एग्जैक्टली यही सामान खरीदना है। उसके बाद आता है आपका एटीट्यूड टूवर्ड्स योर शॉपकीपर या एटीट्यूड टूवर्ड्स योर सर्विस, जो कि आप सर्विस लेने के टाइम में आपका एटीट्यूड कैसा होता है। जैसे आप फ्रेंकली हो, आप रूड हो, या फिर आपका कोई ऐसा नेचर है जैसे कि हाँ, मुझे ये सामान चाहिए तो हाँ, मैंने ले लिया, तो वो होता है एटीट्यूड। सो बेसिकली एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स यही होते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स जो आपके बाहर से आते हैं और इंटरनल फैक्टर्स जो आपके अंदर से आते हैं। तो फ्रेंड्स,
अब मुझे आज के लिए बस इतना ही, और आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलें, और अगर आपने अब तक मेरे पेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अपकमिंग में फिर से आपके लिए कोई नया और एडुकेशनल वीडियोस लाता रहूँगा। सो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, टेक केयर।